इंडस्ट्री और मीडिया क्षेत्र का प्रतिष्ठित संस्थान मार्वा स्टूडियो में इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब द्वारा 13th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का शानदार उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। नोएडा सेक्टर 16 में स्थित मार्वा स्टूडियो में 26 से 28 नवंबर 2020 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय 13th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही है, तब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा ने 13th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर लोगों को ये बता दिया कि हौसलों से बड़ी कोई महामारी नहीं हो सकती। सिनेमा समाज का दर्पण है और इसे चरितार्थ करने के लिए इसका थीम भी सिनेमा इन जनरेटिंग लव, पीस एंड यूनिटी रखा गया। इस फिल्म फेस्टिवल में ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, असेन इसेव एम्बेसडर ऑफ किर्गिस्तान, सर्गी फंदीव डायरेक्टर रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर, KL गंजू काउंसिल जर्नल ऑफ कोमरोस, फिल्म मेकर माइक बेरी, फिल्म मेकर राजेश बजाज, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फोरम की डायरेक्टर माधवी अडवाणी, फिल्म मेकर लवली थदानी, फिल्म मेकर उदय शंकर पानी, अशोक त्यागी जी सहित कई दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के माध्यम से समाज में शांति, सौहार्द और एकता को बनाए रखने के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें सभी प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि भारतीय सिनेमा बहुत ही फैशनेबल और आकर्षक होता है, जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भारत में लगभग 2000 फिल्में प्रतिवर्ष बनती हैं और पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, परंतु इसके साथ हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं। फिल्मों की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए भी हमें निरंतर प्रयास करना होगा। संदीप मारवा ने कहा कि कोरोना काल में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मेरे लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, परंतु आप सबके सहयोग और साथ से ये बड़े ही सुव्यवस्थित और उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। आप सभी का हृदय से आभार। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश, वेदर इट इज नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वेदर यू आर इन इंडिया और अब्रॉड, वेदर यू आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल और यू आर स्टैंडिंग एट अ सी शोर, वेदर यू आर इन अ लश ग्रीन गार्डन एंड लुकिंग एट सम कलरफुल फ्लावर्स और मे बी लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑन अर्थ, but the fact is there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes, and these two things are your thinking and your feelings, and the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. Heartiest welcome to 13th Global Film Festival Noida 2020. My dear friends, what a pleasure to see you all on this very auspicious day. Why auspicious? Because today also is the Constitution Day of India. And I rest, you know, the history. I'm very happy that way back in 1986, we designed Noida Film City. And 87, the whole project got its clearance. 88, allotments were made. And 1991, the first professional film studio of North India started from Noida Film City under the name and banner of Marwa Studios. 93, we got into education and no looking back. महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए मारवा स्टूडियो ने उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए महात्मा गांधी फोरम द्वारा एक पोस्टर भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के डायरेक्टर अशोक त्यागी जी और आफ्ट की डायरेक्टर अलवीना अब्बास ने कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि सिनेमा का समाज के निर्माण पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए समाज में सकारात्मक संदेश होना आवश्यक है, जिसके व्यक्तित्व के विकास और सशक्त समाज निर्माण में सहायता मिलती है। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भारत सहित पूरी दुनिया की फिल्म और मीडिया जगत में काम कर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आई एम वॉचिंग ऑल डिग्निटरीज, फिल्म मेकर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज एज वेल एज माई डियरेस्ट फ्रेंड संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड really, in this time of difficult times in pandemic, it is very difficult to organize such kind of festivals, and where I know about the Sanjeev, only he can do it. Peace is very, very essential.
And without sacrifice, we can't attain the peace. And love is very important. Unconditional, if the conditional is, the condition is there, we can't love everyone. Unconditional. And unity is without faith and without belief, we can't unite the world. We have to believe in the humanity. Well, cinema is a mass medium of entertainment with a wide reach across the whole country. And thus, what medium conveys, the cinema medium conveys, has a strong influence on the mindset of the people. Movies with a message of nationalism, unity, and universal love can transform the attitude and mindset of people in the right way. It is human behavior universally towards hero worship and following an idol. I'm honored to be part of this group of eminent people, dignitaries from all over the world, and my media guru, Sandeep Marwaji. I always call him my media guru because AFP was the first place, and I keep repeating it, where I physically could touch a camera and started learning how to tell stories visually. I think love and peace and humanity, all these things are within us. I think cinema is just a reflection of what is within us. The more we feel that feeling and write those stories and visualize it, I think that is how it spreads. Rather than just entertaining, I think educating and entertaining goes hand in hand. And I think India is the best place for that. I just wanted to congratulate Sandeep sir, also my friend and my teacher and my guru, for organizing this 13th film festival, International Film Festival, despite COVID. I think all of us need to clap for that. And I want to just talk about love, peace, and unity from a different perspective. I think, you know, when we make films with very subtle messages, they seep in better. The theme is beautiful, love, peace, and unity. Because unless we're united, we can't be at peace. And unless we're at peace, we cannot generate love. Namaste, dear friends. First of all, I would like to thank respected Mr. Sandeep Navamarwa and all of you for inviting me to participate in such an interesting and good event, the 13th Global Film Festival. The topic of this festival, the role of cinema in generating love, peace, and unity, is very much important nowadays. Without these three notions, we cannot imagine the happy and harmonious life on our planet. Especially love, peace, and unity are important in such multinational, multicultural, and multi-religious countries as India, Russia, USA, China, United Europe, and other countries. It is really a proud privilege for me to be associated on the 13th Film Festival, which is being held today. You know, there were days when film was made looking at how love, unity, and diversity can be maintained in the society. If you go back into the history, like Mr. Berry talked about Guide, and there were so many films like Guide, but Guide was a special film, which I saw 5 times because I loved it so much. I loved it so much, and it is a fact that it gave a wonderful message of unity, love, and I mean, it was Devanand's most acclaimed picture of his life. What better medium there can be to spread love, peace, and unity than cinema? It is not only a king of all professions, it's the king of all the mediums, I would say. We're lucky that we are all in this medium, a wonderful medium. Again, I call it the king of all mediums. And thank you very much for inviting me, Sandeep ji.